हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेमलता एंड वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस प्रकार इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन फ्री में देख सकते हैं। बहुत सारी डेटा जो एक कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उसके बारे में फ्री में जाना जा सकता है, एंड वो जाना जा सकता है एक वेबसाइट को जिसे कहते हैं MCA.gov.in। अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं और आप कोई कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन जॉब करने से पहले आप जानना चाहते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट करती है और कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, तो आप उस कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से जिसका नाम है MCA.gov.in। आप बहुत सारा डेटा फ्री में देख सकते हैं, लेकिन यदि अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट या PNL देखना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, विच इज अ नॉमिनल चार्ज ऑफ जस्ट 100 रुपीज। ये फाइनेंशियल्स की जरूरत बहुत सारे टाइप के लोगों को पड़ती है। अगर आप कोई बिजनेस में हैं और आप किसी के साथ डील फाइल करना चाहते हैं, लेकिन वो डील कंप्लीट करने से पहले आप जानना चाहते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पोजिशन के बारे में, तो आप बिना उस कंपनी को पूछे भी उस कंपनी के बारे में पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं या आप इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, तो भी आप आपके एसएससी के बारे में सारी जानकारी फ्रीली एंड विद अ नॉमिनल चार्ज ऑफ जस्ट 100 रुपीज आप डाउनलोड कर सकते हैं MCA.gov.in से। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि MCA वाली वेबसाइट को कैसे यूज किया जाता है और किस तरीके से आप एक कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन बिना कंपनी को पूछे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स विजिट दिस वेबसाइट विच इज MCA.gov.in। यदि आप इस कंपनी का URL भूल भी जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं MCA, तो आपको डायरेक्टली यही वेबसाइट की लिंक मिलेगी। सो नाउ लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट वर्क्स। चलिए देखते हैं MCA.gov.in काम कैसे करती है। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं MCA एंटर। पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये वेबसाइट का फर्स्ट पेज दिखेगा। यहाँ पे दिखेंगे बहुत सारे सेक्शंस जो कि ब्रॉडली डिवाइडेड है अबाउट MCA, एक्ट्स एंड रूल्स, माई वर्क स्पेस, माई सर्विसेज, डेटा रिपोर्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, हेल्प्स एक्सेट्रा। हमें जिस सेक्शन में काम है वो है MCA सर्विसेज। आप अपना कर्सर MCA सर्विसेज पे लेके जाएंगे तो एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जो ये लॉक दिख रहा है इसका मतलब आपको इसके लिए रजिस्टर लॉगिन करना पड़ेगा, एंड जो कुछ आपको बिना लॉक के दिख रहा है इसका मतलब अगर आप लॉगिन ना भी करें तो भी आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले फ्री में कितना डेटा इस कंपनी के बारे में अवेलेबल है। आज जिस कंपनी की बात हम करने वाले हैं वो है बायजूस, लेकिन बायजू उनके प्रोडक्ट का नाम है, उनकी कंपनी का नाम बायजू नहीं है, उनकी कंपनी का नाम है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे ही आप मास्टर डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जहाँ पे दिख रहा है कंपनी का नेम एंड आपको कंपनी का सिन डालना है। SIN is nothing but a corporate identification number which is a unique number given to every company registered in India. अगर आपको SIN पता है तो आप यहाँ डालिए, अगर आपको SIN नहीं पता है तो आप उस SIN को सर्च कर सकते हैं इधर से। जैसे ही आप उस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ आपको कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम आप कंप्लीट नहीं भी लिखेंगे, अगर आपको पूरा नाम नहीं मालूम है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें से लिख दीजिए। तो जैसे ही आप सर्च क्लिक करेंगे वो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस नाम से रिलेटेड सारी कंपनीज आ जाएगी। अभी जैसे कि हमने इसमें डाला थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, तो पहला ही नाम हमें दिख रहा है ये है इस कंपनी का सिन। कंपनी के सिन से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट से हमें समझ में आता है कि ये कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड। यू का मतलब होता है अनलिस्टेड। उसके आगे के जो 5 कैरेक्टर्स होते हैं ये बताते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, ये होता है एक बिजनेस कोड। उसके आगे मिलेंगे आपको 2 अल्फाबेट जो कि बताएंगे स्टेट कोड, ये है KA, इसका मतलब ये कंपनी रजिस्टर्ड है कर्नाटका में। उसके आगे के 4 डिजिट्स बताएंगे कंपनी के ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में, मतलब ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी 2011 में। उसके आगे के 3 अल्फाबेट्स जो है वो बताते हैं कि ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, या नॉट फॉर प्रॉफिट है, या गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर फॉरेन कंपनी है। PTC स्टैंड्स फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
और उसके आगे के जो 6 कैरेक्टर्स है वो होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। सो इसके सिंस से आपको पता चलता है कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कौन से स्टेट में लिस्टेड है, कंपनी का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है। सो नाउ लेट्स क्लिक हियर एंड सिलेक्ट दिस कंपनी। ये सिन यहाँ आ चुका है, आप इस सिन को कॉपी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको सर्च ना करना पड़े। उसके बाद आपको देना पड़ेगा यहाँ पे कैप्चा कोड, यहाँ लिखा है कैप्चा कोड, आपको उसी केस में टाइप करना है एंड सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको कंपनी की मास्टर इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये कंपनी का सिन है, कंपनी का नाम दिया गया है, फिर कंपनी का ROC कोड दिया है। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी किस रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड है, ये है बैंगलोर में। फिर है कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि इस सिन का लास्ट 6 डिजिट होता है, कंपनी की कैटेगरी ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, सब कैटेगरी ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, इसका क्लास क्या है ये प्राइवेट लिमिटेड है, ऑथराइज कैपिटल कितना है मतलब कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल इशू कर सकती है वो यहाँ दिया गया है। उसके बाद है पेड अप कैपिटल, जो ये पेड अप कैपिटल है ये टोटल कैपिटल है कंपनी का, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। इसका बाइफर्गेशन आपको MCA में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट में उसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ मेंबर्स, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 30th November 2011। कंपनी का एग्जैक्ट रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर उसके बुक्स कहीं और पे मेंटेन्ड होती है तो उस चीज़ का भी उस लोकेशन का भी एड्रेस यहाँ आएगा। कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी लिस्टेड है कि नहीं या कंपनी की कोई स्टॉक एक्सचेंज में सस्पेंशन हुआ है तो, कंपनी ने लास्ट AGM कब कंडक्ट की थी और कंपनी की लास्ट बैलेंस शीट कब तक अपलोडेड है और फाइनली कंपनी की स्टेटस क्या है। इसके अलावा आपको मास्टर डेटा में मिलता है कि कंपनी ने कितना लोन लेके रखा है और उस लोन के अगेंस्ट में क्या क्या चार्जेस कंपनी के अगेंस्ट क्रिएट किए गए हैं और उस लोन के अगेंस्ट में कितना चार्ज क्रिएटेड है, ये लोन कब लिया गया है और इसको कब मॉडिफाई किया गया है, ये लोन अभी क्लोज है कि ओपन है, वो भी इंफॉर्मेशन आप इसी स्क्रीन से देख पाएंगे। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस रिपोर्ट टेल्स यू अबाउट द डायरेक्टर्स एंड द सिग्नेटरीज ऑफ दिस कंपनी। हर डायरेक्टर का एक यूनिक DIN होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर एक डायरेक्टर के लिए यूनिक होता है, वो अगर कोई भी डायरेक्टर अगर वो कोई भी कंपनी में डायरेक्टर बने उसे यही सेम DIN नंबर यूज करना है। अगर मैंने इस DIN नंबर पे क्लिक किया तो एक फ्रेश डायलॉग बॉक्स आएगा जो ये बताएगा कि ये डायरेक्टर और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है। सो अगर आपको इसी कंपनी में से ये जानना है कि ये डायरेक्टर और कौन कंपनी में डायरेक्टर है तो आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा उसके DIN पे। उसके बाद ये भी दिखाते हैं कि कब से डायरेक्टर है, क्या ये इसकी डायरेक्टरशिप कंपनी में ख़त्म हो चुकी है या इसने DIN सरेंडर किया है। इतना डेटा आपको मिल जाता है केवल मास्टर रिपोर्ट से। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट एक्सपोर्ट की जा सकती है एक्सेल में, विच कैन बी यूज फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपको इसके लोन्स के बारे में या इसके ये है वही सारी इंफॉर्मेशन लेकिन एक्सेल फॉर्मेट में, आप इसे सेव कर सकते हैं या आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो इसे मेल भी कर सकते हैं। मास्टर इन्फॉर्मेशन में चार्जेस और डायरेक्टर्स की डिटेल थोड़ी लिमिटेड है। अगर आपको इसके लोन्स के बारे में या इसके डायरेक्टर्स के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा MCA सर्विसेज के इंडेक्स ऑफ चार्जेस सेक्शन में। इंडेक्स ऑफ चार्जेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सेम विंडो दिखेगी, पर क्योंकि हमने सिन कॉपी किया था इसीलिए हमें उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। आप फिर से यहां पे जो कैप्चा दिया है उसे टाइप करिए एंड सबमिट। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा इसके चार्जेस के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये कौन से बैंक से लिया गया था और उस बैंक का एड्रेस क्या है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टर्स के एड्रेसेस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा सिग्नेटरी डिटेल्स में। यहाँ पहुँचने के बाद में भी आप फिर से अपना सिन पेस्ट कर सकते हैं एंड इस कैप्चा को आप अगर टाइप करते हैं
तो आपको एक्सेस मिलेगा कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, ये कंपनी के डायरेक्टर्स के एड्रेसेस, उनका डेजिग्नेशन, उनके डीएससी की स्टेटस एंड उनके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की जानकारी आपको देता है। फ्री में आप ये सारा डेटा देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डाउनलोड सेक्शन में, जो कि है राइट हैंड कॉर्नर में व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप इस स्क्रीन पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको दिखेगा एक स्क्रीन जहां पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मालूम है सिर्फ उतने ही चेकबॉक्स को आप क्लिक करिए। जैसे कि मुझे अभी कंपनी का सिन मालूम है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट द पेस्ट द सिन ऑफ दिस कंपनी एंड सबमिट। आपकी कंपनी का नाम यहां आ चुका है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं, यहां पे ऑप्शन आता है कि आप कंपनी का कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं। हमें देखने हैं कंपनी के एनुअल रिटर्न्स एंड बैलेंस शीट्स। यहाँ ईयर ऑफ फाइलिंग, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं से 2017 एंड सबमिट। यहाँ आपको दिख जाएंगे कि कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड किए हैं। अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आप फ्री में नहीं देख सकते, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एड दिस कंपनी टू कार्ट। लेकिन इसको आप खरीदने से पहले आपको MCA में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड लॉगिन करने के बाद ही आप कंपनी का डेटा देख पाएंगे। आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहां डाल के आप साइन इन करिए एंड फिर से आप यहां पे अपना सिन नंबर डाल दीजिए। सबमिट। अगेन सिलेक्ट द, आप लॉगिन अगर पहले कर दिए होते तो ये आपको रिपीट नहीं करना पड़ता था। आप इसमें से अपनी रिपोर्ट्स का नेचर एंड उसकी ईयर ऑफ फाइलिंग सबमिट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी के इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फाइल किए गए हैं वो आ गए हैं। आप इसे करिए ऐड टू कार्ट। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेक पेमेंट। इट्स जस्ट अ नॉमिनल पेमेंट ऑफ 100 रुपीज एंड 100 रुपीज देने के बाद आप पूरे फाइनेंशियल ईयर्स के हर टाइप के डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मेक पेमेंट का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, पे फी, तो आपको यहाँ पे दिखते हैं वेरियस पेमेंट ऑप्शंस। आप अपना पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट करे से सबमिट कर दीजिए। एक चालान जनरेट होगा जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, आपकी रिपोर्ट्स रेडिली अवेलेबल हो जाती है इस सेक्शन में। ये याद रखिए कि आपको रिपोर्ट्स यहाँ नहीं मिलेगी, आपको रिपोर्ट्स मिलेगी माई वर्क स्पेस पे। तो इसके बाद आपको जाना पड़ेगा माय वर्क स्पेस पे। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं, आपको दिखेंगे बहुत सारे सबसेक्शंस। जो रिपोर्ट्स आपने मांगी है वो आपको मिलेगी डॉक्यूमेंट सेक्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये डेटा यहाँ पे कितनी देर तक रहेगा। अगर आपने इसे क्लिक कर दिया तो आपको वो रिपोर्ट्स अगले 3 घंटे के अंदर डाउनलोड करनी पड़ेगी। यदि आपने उसे 3 घंटे में डाउनलोड नहीं की तो वो रिपोर्ट्स वहां से हटा दी जाएगी। एंड अगर आपने वहां क्लिक नहीं किया तो आपका पेमेंट वैलिड रहता है 7 डेज के लिए। मतलब आप 7 दिन के अंदर कभी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बार डाउनलोड करना शुरू कर दिया तो आपको उसे 3 घंटे में डाउनलोड करना मैंडेटरी है। जब आप माई स्पेस से फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको इसे खोलना पड़ेगा अडोब रीडर में। आप सिर्फ अडोब में ही खोल के इसे एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज जो उसकी अटैचमेंट है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। जब ये फॉर्म खुलेगा तो आपको कुछ वार्निंग्स आएंगे, आप इसे अलाउ करिए क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजिटल सिग्नेचर्स अटैच्ड रहते हैं। ये फॉर्म को आप देखेंगे, इसमें सारे फिगर्स मिलेंगे, लेकिन आपको अगर पूरे डाउनलोड्स भी करने हैं इसके बैलेंस शीट एंड PNL, तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में इस अटैचमेंट वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा।
आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको इस फॉर्म में जो जो चीज़ें अटैच्ड है वो सब दिखती है, आप उसे क्लिक करके डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डाउनलोड द बैलेंस शीट्स एंड PNL एंड एनी अदर अटैचमेंट फ्रॉम द फॉर्म्स डाउनलोडेड फ्रॉम MCA। जस्ट रिमेंबर दैट यू शुड यूज ओनली Adobe रीडर टू एक्सेस दीज फॉर्म्स, अदरवाइज आप अटैचमेंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। This is all how you can download any information pertaining to any type of company registered in India, be it listed, be it unlisted, public, private, कोई भी type की company के बारे में आप कोई भी information इस particular website से download कर सकते हैं। I hope आपको ये video पसंद आया होगा, and अगर आप चाहते हैं कि आप इस type का analysis और कर पाएं, तो हम लोग अगले वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में जो कि ये MCA का डेटा पे पूरा एनालिटिक्स करता है। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।